पालिका के छोटे छोटे और अच्छे अच्छे कदम बढ़ रहे हैं एक विकास की ओर। और इसी कड़ी में 15 अगस्त को बहुत ही बड़ा तोहफा मिर्जापुर की जनता को दिया था इन्होंने। जी हाँ, घंटाघर की उस विशेष घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सालों साल से लोग ठीक नहीं करा सके, मगर हमारे नव निर्वाचित जो कि अभी तक अपनी कला से और अपने तमाम जद्दोजहद जो कर रहे हैं वो जनता के हित में, उसके तहत उन्होंने घंटाघर की घड़ी का निर्माण कराया। इसी कड़ी में आज वो बताना चाहते हैं कि घंटाघर की निर्माण के लिए जो राजस्व विभाग है उसका उसकी जिम्मेदारियों को हल्का किस प्रकार से इन्होंने अपने श्रेय से किया। तो चलिए जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष से कि वो क्या कहना चाहते हैं घंटाघर की घड़ी। सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल पे, आप क्या कहना चाहते हैं घंटाघर की घड़ी? घड़ी जो शहर का दिल है, केंद्र है, घड़ी जब सत्य वास्तु के हिसाब से जिस घर में घड़ी बंद हो तो समय खराब करता है। पहला काम हम लोगों ने किया है घड़ी बनवाने का, और वो घड़ी समाज के सहयोग से बना है, उसमें नगर पालिका परिषद का घड़ी तो ये पैसे फिर आए कहाँ से? समाज के लोगों ने बहुत अच्छी घड़ी बनाई। तो आप देख रहे हैं कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ पूरा समाज एकजुट है और अपनी सेवा के लिए, जनता के हित के लिए स्वयं लोग इतने जागरूक हैं कि आज राजस्व विभाग का जो उत्तरदायित्व है वो हल्का करके अपने स्वेच्छा से लोगों ने घंटाघर की घड़ी के निर्माण के लिए जो राशि दी उसे, इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम गणमान्य प्रतिनिधियों का धन्यवाद है और नगर पालिका अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद है कि वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके चलते जनता खुश है और उनका सहयोग कर रही है। बने रहे एक्सप्रेस के साथ।